जी सर, उसके बाद सारे एस्पिरेंट ने मैंने यहाँ पे उन एस्पिरेंट को बुलाया जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने सारे एस्पिरेंट को यहाँ पे नहीं बुलाया। हम आपके साथ दो बातें रखना चाहते हैं, आप होम मिनिस्टर साहब से बात कीजिए और एलजी साहब से बात कीजिए, या ये लिस्ट को स्क्रैप कर दो, हम एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। या जिन लड़कों ने कोर्ट किया है उनको 700 कुछ 700 स्टूडेंट ने कोर्ट किया, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और उसके बाद 20-30 लड़के जो ऑन ग्राउंड हमारे साथ लड़ रहे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, या उनको एग्जाम देने के लिए तैयार है। अगर सर उनको बाहर नहीं निकाल सकते, हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। आज आप थ्रू मीडिया बताओ हम कितना वेट और कर सकते हैं। अगर कमेटी को एक महीना दिया गया, देखिए सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहता हूँ, रविंदर रैना साहब ये दिल का बहुत अच्छा आदमी है, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, तभी तो हम यहाँ से आए हैं। हम उनको नहीं जानते लेकिन रविंदर रैना साहब को जानती है, रविंदर रैना को पूरा विश्वास इस पे, ये गरीबों का मसीहा है, ये जो फैसल का कमांड है या इंसाफ को रविंदर रैना के हाथ में है, ये पूरी यूटी को हाथ में, पूरी यूटी को ये उसको नचाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ उसको, मैं यही कहना चाहता हूँ, हम डिप्रेशन में कुछ भी कह सकते हैं, मेहरबानी कीजिए हाथ जोड़ के हम सारे एस्पिरेंट साहब से कह रहे हैं कि हमारा इंसाफ होना चाहिए, आने वाले दिनों में इंसाफ होना चाहिए, आने वाले दिनों में। सर जो कि फायर सर्विस स्कीम है सर, मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, रविंदर साहब मेरी बात सुनिए सर 5 मिनट। सर ये स्कीम जो है ये 2013 से शुरू हुआ है सर, तो 2018 में फिर से हमने एग्जाम दिया, हमने फिजिकल क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई करना कोई मामूली बात नहीं है सर, हमने 4 किलोमीटर ग्राउंड वहां पे तय करके रिटर्न एक बार फिर दिया, तरीके से याद रखी गई पूरी जिंदगी सर। सर हमारा एग्जाम हुआ जब लिस्ट मंदिर में लाया गया कि सर खाली धर्म स्कैम नहीं, कत्ले आम किया गया सर दिन के उजाले में, और आखिरकार जब उन लड़कों को ज्वाइन करवाया गया और हमने प्रोटेस्ट किया सर, 2 साल हमारा प्रोटेस्ट चला सर। अगर हम किसी को जानते हैं तो रविंदर रैना साहब को जानते हैं। हम आज आपके पास आए किस वजह से आए सर, क्योंकि हमें आप पे भरोसा है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने बात कहना चाहता हूँ सर, या तो इस लिस्ट को स्क्रैप करो या हम रैना साहब, रैना साहब चलो चुप हो जाओ। चिड़िया में आप बोलोगे वायरल करो, शेयर करो, कितने दिन करेंगे? 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन नई न्यूज आ जाएगी, चौथे दिन ओ चौधरी साहब के आल है, थारा का माल है, ठीक है ठीक है, थारी ठीक ठाक, चाचो के आल है, ठीक है इस साइड चलो, देखो भाई पंडित जी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हो, जितने भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मेरे साथी दोस्त नौजवान यहां आए, अनंतनाग के हैं, कुलगाम के हैं, या बारामूला के हैं, श्रीनगर के हैं, कुपवाड़ा के आए हैं, देखो मेरी एक बात सुन, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, जहां आपने आवाज उठाई मैंने आपकी आवाज और बुलंद करके उठाई। कोई जगह मुझे बताओ जहां मैंने आपका जिक्र ना किया हो और आपको मेरे से गिला। जितना मैंने आपके लिए बोला है, जितना हमने आपके लिए मेहनत की है, मुझे नहीं लगता कि किसी सियासी और किसी लीडर ने आपके लिए इतना बोला, ठीक है। और मैं आपकी मदद के लिए निकला या आपकी के साथ खड़ा हुआ सिर्फ इसलिए
कि मुझे आपकी इज्जत है और मैं ये मानता हूं जो इस नेंगरू साहब ने उस रोज मेरे ऑफिस के बाहर जो पूरी डिटेल एक एक किसने बोली थी, उस डिटेल को देखकर पढ़कर जो बात आप सब कहते हो या ये जो आप बोलते हो वो साफ साफ उससे झलकता है। हालांकि मैं कोई जज नहीं हूं, मैं कोई इंक्वायरी कमीशन को हेड नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा जो नेहरू साहब ने और आप सब ने जो डिटेल मेरे सामने रखी, मैंने आपका मसला कई मर्तबा अजीत साहब के जेरे गौर लाया, होम सेक्रेटरी साहब के साथ आपके साथ गया, आपकी आवाज में आवाज मिला के काम की। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का एक असूल है, ईमानदारी से काम करता हूं और हमेशा सच बोलता हूं और गरीबों के लिए लड़ता हूं, इंसाफ के लिए लड़ता हूं। आप सबने यहां हमारे बारामूला के एक साथी ने जो जो जिक्र किया, मैं जब आपका कोई प्रोटेस्ट चाहे प्रेस कॉलोनी में हो या कहीं भी जब मैं देखता हूं तो मैं हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को बोलता हूं, जनाब या तो इनको मुतमीन करो या इनसे मुतमीन हो जाओ, या तो आपको कन्विंस करें या आपसे कन्विंस हो जाए। इतना लंबा प्रोटेस्ट कोई नहीं करेगा, मैंने नहीं देखा, क्योंकि कुछ ना कुछ हकीकत है। और मैं आपको बोलूं, जिस रोज वो ज्वाइनिंग हुई थी जनाबे मोहतरम, उस दिन संडे था, उस दिन तो आप मुझे नहीं मिले थे, लेकिन मैंने उस रोज कहा था कि ये जो मजलूम और गरीब बच्चे हैं इनके साथ नाइंसाफी हो गई। कहा था कि नहीं कहा था बताओ? आपकी आवाज में बुलंद बन के बोला था कि नहीं बोला था? दुरूर। 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 मैंने हमेशा गरीबों की आवाज बुलंद की, ईमानदारी से और सच्चाई से काम करता हूं। अभी आपने बोला, मैंने होम सेक्रेटरी साहब से बात की, उन्होंने इसमें कुछ पेशकदमी की है, आपको भी खबर आई है, मुझे भी खबर है। कल 4 बजे आपका 5 मेंबरी एक डेलीगेशन आपकी सदारत में उनको मिलेगा सेक्रेटरीट में। वो 5 बंदे कौन होंगे उसकी मुझे डिटेल यहां भेजो। बात करने के बाद क्या बोला मुझे बता देना, और मैं आपके साथ